guys, welcome back to our channel, The Desi Odyssey. So, if you are new to our channel, then please like all our videos, subscribe to our channel, and also share it with all your friends. They may find it informative. So, without wasting any further time, let's start with this video. So, अगर आपने हमारी previous video देखी होगी, तो आपने देखा होगा कि हमने आपको Canada के कुछ scams के बारे में बताया था. और उसके end में हमने ये भी बताया था कि हमारे साथ भी Canada में एक scam हुआ. तो आज मैं आपको उसकी कहानी बताऊंगी तो लेट्स स्टार्ट विदोरी स्टोरी।, स्टोरी स्टार्ट होती है 26 अक्टूबर 2022 से जो थी हमारी डेट ऑफ लैंडिंग इन कनाडा। लाइक ऑल न्यू इमिग्रेंट्स हमने भी शुरू के सारे दिनों में अपने इनिशियल काम कराए सच एज गेटिंग आर सिन नंबर गेटिंग आर ओ हिप कार्ड गेटिंग बैंक अकाउंट ओपन बैंक अकाउंट जब हमने ओपन कराया तो बैंक में हमें बोला कि आपको आपका डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड पिन एंड क्रेडिट कार्ड तीनों पोस्ट से डिलीवर होंगे आपके एड्रेस पे तो उस टाइम पे क्योंकि हमारे पास कोई परमानेंट एड्रेस नहीं था और हम एक एयर बी एन बी में रुके थे तो हमने हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था हमने अपने एयर बी एन बी का ही एड्रेस दिया इट वॉज कि ये सारे बैंक के कार्ड्स हमें 15 दिन के अंदर अंदर डिलीवर हो जाएंगे आफ्टर अ कपल ऑफ वीक्स से मेरी जॉब स्टार्ट होनी थी प्लीज नोट कि अभी तक मुझे मेरा डेबिट कार्ड डेबिट कार्ड पिन क्रेडिट कार्ड कुछ भी डिलीवर नहीं हुआ था बट इट वॉज ओके मुझे लगा कि डिलीवर होने में टाइम लग रहा होगा क्योंकि पोस्ट से आता है तो आई डेंट बो ऐसे ही दो हफ्ते निकल गए और मैं अपनी सैलरी का वेट करने लगी क्योंकि एज यू नो कैनेडा में सैलरी दो हफ्ते में एक बार आती है मतलब बाई वीकली आती है सो वर्क स्टार्ट करने के फोर्टीन डे के आसपास मैं एक्सपेक्ट करने लगी कि अब मुझे मेरी सैलरी आ जाएगी मेरे पास ऑलरेडी मेरी नेट बैंकिंग की डिटेल्स थी तो मैं चेक करती रहती थी कि मेरी सैलरी आई कि नहीं तो वन फाइन डे फोर्टीन डे पे मैं ऐसे ही अपनी नेट बैंकिंग चेक कर रही थी देखने के लिए कि पैसे आए कि नहीं तो मैंने ऑब्जर्व किया कि मेरे बैंक अकाउंट में अराउंड थ्री थाउजेंड डिपॉजिट हुए थे तो मैं बहुत खुश हुई मुझे लगा मेरी सैलरी आ गई बट माइंड दैट मुझे मेरा डेबिट कार्ड नहीं आया था तो मैं अभी तक इस पैसे को यूज नहीं कर सकती थी बट आई वॉज वेरी हैप्पी नेचुरली बिकॉज मेरी फर्स्ट सैलरी थी और यहाँ आ गई अब अगले दिन जो कि एक्चुअली फिफ्टींथ डे था और मेरी कंपनी का पे डे था जो कि मुझे नहीं पता था मेरे अकाउंट में मेरी एक्चुअल सैलरी डिलीवर हुई और मुझे ये कैसे पता चला क्योंकि जब मैंने अपना नेट बैंकिंग खोला तो मुझे दिखा कि उस पर सैलरी वर्ड लिखा है दैट मीन्स ये मेरी एक्चुअल सैलरी थी तो जो कल आया था वो क्या था लगा तो था कि कुछ फ्रॉडुलेंट हुआ है बट आई डेंट डू एनी थिंग एट दैट टाइम एंड दैट वॉज माई बिगेस्ट मिस्टेक एज द डे वेंट ऑन आई वॉज इन फॉर अ शॉक मैंने ये देखा कि अचानक मेरे अकाउंट पे अराउंड थाउजेंड डॉलर के ट्रांजेक्शन हो गए थे और ये ट्रांजेक्शन थे मल्टीपल स्मॉल ट्रांजेक्शन्स इन द फॉर्म ऑफ ए टी एम विदड्रॉल्स परचेज मेड एट नो फ्रिल्स एंड ऑल सच ग्रोसरी स्टोर ऐसे छोटे छोटे ट्रांजेक्शन करके अराउंड थाउजेंड डॉलर्स मेरे अकाउंट से निकल गए थे और अब मुझे ये स्ट्राइक हुआ कि मुझे अब बैंक को कॉन्टैक्ट कर लेना चाहिए सो आई डिड दैट आई पिक दब द फ़ोन एंड कॉल द नेट बैंकिंग एंड आई टोल देम दैट मेरे अकाउंट पर कुछ फ्रॉडिलेंट एक्टिविटी हुई है क्योंकि मुझे तो मेरा डेबिट कार्ड भी डिलीवर नहीं हुआ और बहुत सारी परचेजेज ऑलरेडी हो चुकी हैं सो देन दे टोल मी दैट आपके अकाउंट में एक जो पहले थ्री थाउजेंड डॉलर्स डिपॉजिट हुए थे क्या ये आपने किए थे तो मैंने बोला नहीं मैंने नहीं किए थे तो उन्होंने बोला कि ये शायद एक फ्रॉडिलेंट एक्टिविटी थी तो हम ये आपको सजेस्ट करेंगे कि आप अपना अकाउंट फ्रीज करा दें तो मैंने अपना अकाउंट फ्रीज करा दिया अब अकाउंट फ्रीज होने के बाद बैंक का नेक्स्ट स्टेप ये था कि जो भी पैसे मेरे अकाउंट में फ्रॉडुलेंटली डिपॉजिट हुए थे यानी कि थ्री थाउजेंड डॉलर वो पूरे थ्री थाउजेंड डॉलर उन्होंने अकाउंट से विद्रॉ कर लिए क्योंकि वो पैसे मेरे नहीं थे बट अगर आपको याद होगा थ्री थाउजेंड डॉलर डिपॉजिट तो हुए थे लेकिन थाउजेंड डॉलर के ट्रांजेक्शन भी हुए थे तो जब बैंक ने वो पूरे पूरे थ्री थाउजेंड डॉलर निकाल लिए तो वो थाउजेंड डॉलर्स का डेफिसिट क्रिएट हो गया जो कि मेरी खुद की सैलरी में से निकल गया तो आई वॉज एट अ लॉस ऑफ थाउजेंड डॉलर्स विद इन वन डे ऑफ गेटिंग माई सैलरी फिर बैंक ने मुझे ये बोला कि आपके अकाउंट पर फ्रॉड हुआ है वो हम समझ गए हैं लेकिन हम आपको बोल नहीं सकते कि ये पैसे वापस आएंगे कि नहीं इस पर इन्वेस्टिगेशन होगी एंड अगर इन्वेस्टिगेशन सक्सेसफुल होती है तो शायद आ जाएं बट शायद ना भी आए या आए तो पूरे ना आए बिकॉज उन्हें एक एक ट्रांजेक्शन पे इन्वेस्टिगेशन करनी थी और ऐसे दस ट्रांजेक्शन हुए थे जिसमें थाउजेंड डॉलर निकले थे तो आप समझ सकते हैं कि बैंक को इसमें काफी काम करना था तो देर नॉट श्योर तो मैं एक्सपेक्ट कर रही थी कि शायद अब पैसे वापस नहीं आएंगे क्योंकि मुझे बैंक ने यही बोला कि हम नहीं बोल सकते पैसे वापस आएंगे कि नहीं तो मैंने बैंक से पूछा ऐसा कैसे हो सकता है हाउ डिड दिस है कुछ भी डेबिट कार्ड या पिन कुछ आया ही नहीं और किसी ने कैसे कर लिया ये मेरे बिहाफ पे सारे ट्रांजैक्शंस तो बैंक ने मुझे ये बोला इसमें बहुत सारे रीजन्स हो सकते हैं बट वन ऑफ द रीज़न्स कैन बी कि जब बैंक ने मेरे एड्रेस पे मुझे मेरा डेबिट कार्ड एंड डेबिट कार्ड पिन सेंड किया तो वो कहीं बीच में मेल इंटरसेप्ट हो गई इंटरसेप्ट का मतलब ये है कि किसी ने बीच में उसको ले लिया बिकॉज उन्होंने फिर वो कार्ड लिया मेरे मेरे एटीएम कार्ड को एक्टिवेट किया दे डिपोजिटेड सम मनी एंड देन दे स्टार्टेड विदड्रॉइंग दैट मनी बैंक ने मुझे समझाया कि ये एक मनी लॉन्ड्रिंग की एक्टिविटी है जिसमें जो मनी लॉन्ड्रर्स होते हैं वो मल्टीपल अकाउंट्स में छोटी छोटी अमाउंट डिपॉजिट करते हैं सो दैट दे केन यूज दिस इीगल मनी एंड मेक दिस ब्लैक मनी इंटू वाइट वन इम्पॉर्टेंट स्टैट दैट आई वुड लाइक टू टेल यू इज दैट कैनेडा में दो हजार बाईस में पाँच सौ तीस मिलियन डॉलर वर्थ के स्कैम हो चुके हैं फोर्टी परसेंट इंक्रीज फ्रॉम ट्वेंटी scams हो रहे हैं दूसरा रीजन ये हो सकता है कि जब मेरा कार्ड डिलीवर होना था तो मैंने आपको बताया था कि ये कार्ड मेल बाय पोस्ट आता है तो यहाँ पे कई घरों में लेटर बॉक्सेस घर के बाहर होते हैं मतलब जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ देयर होम्स जो की काइंड ऑफ ओपन या फिर इजी टू ब्रेक इन होते हैं तो हो सकता है कि जिस ए पे मैंने वो एड्रेस दिया था क्योंकि उनका लेटर बॉक्स भी कुछ इसी तरह का था तो वहाँ पे ये डिलीवर हुआ एंड समबडी टुक इट आउट एंड यूज्ड इट फॉर दीज पर्पजेस बट मुझे क्या मेरे तो पैसे जा चुके थे मैं कुछ नहीं कर सकती थी सिवाय वेट करने के और बैंक पे ट्रस्ट करने के सो so इस बीच में मैंने बहुत चक्कर काटे बैंक के जो भी एक एक फ्रॉड टीम एक एक ट्रांजैक्शन के लिए मेरे पास आ रही थी कि इस टाइम पे आपने क्या किया इस टाइम पे आप कहाँ थे क्या आपने परचेज की कि नहीं की ये सब आंसर्स मैं उनके साथ कर रही थी तो थो थोड़ा टाइम निकल गया बैंक ने मेरा दूसरा अकाउंट भी खुलवा दिया सो so दैट अब मेरी आगे जो भी सैलरी आए वो दूसरे अकाउंट में आए तो कुछ दिन बाद बैंक ब्रांच ने मुझे फिर से बुलाया और उन्होंने मुझे गुड न्यूज दी कि जितने भी ट्रांजैक्शंस थे हमने उन सबको डीम किया है फ्रॉड एंड आपके जितने भी पैसे थे वो आपके अकाउंट में वापस आ जाएंगे एंड आई कान टेल यू हाउ हैप्पी आई वॉज एक तरफ से तो मैं मान ही चुकी थी कि ये पैसे हमेशा हमेशा के लिए चले गए हैं तो जब मुझे बैंक ने बताया कि आपके पैसे वापस आ जाएंगे आई वॉज ओवर द मून तो फ्रॉड की कहानी तो हैप्पी एंडिंग पे ख़त्म हो गई लेकिन इससे मैंने बहुत चीज़ें सीखी हैं नंबर वन जो मैंने चीज़ सीखी और जो मैं आपको बताना चाहूंगी वो ये है अगर आप यहाँ नए आए हैं तो जब आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं तो वन ऑफ दीज टू ऑप्शन चूज करिए या तो आप किसी बहुत ही ट्रस्टेड इंसान का एड्रेस दीजिए जो कि आपका रिलेटिव है या फ्रेंड है जहां पे आपके इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिलीवर हो दूसरा ऑप्शन अगर आप बैंक से बोलेंगे कि हम चाहते हैं कि हमारे कार्ड्स बैंक की ब्रांच में डिलीवर हो तो वो भी हो सकता है तो यू कैन आस्क द बैंक टू डू दैट दैट वे आपका कार्ड सिक्योर रहेगा और कहीं इंटरसेप्ट नहीं होगा दूसरी लर्निंग ये थी अगर आपके कार्ड पे कोई भी डिपॉजिट हुआ है जो कि आप रिकग्नाइज नहीं कर पा रहे हैं डोंट वेट डोंट थिंक कि ये कहीं से मुझे पैसा आ गया है एंड आई एम वेरी लकी एंड आई कैन यूज दिस मनी डोंट डू दैट वो पैसा आपका नहीं है अगर आपने ये इलीगल अमाउंट जो भी आपके अकाउंट में डिपॉजिट हुआ है वो यूज किया है देन यू आर पार्ट ऑफ दैट फ्रॉड ये पैसे आपके नहीं हैं ये आप यूज नहीं कर सकते देर हैव बिन केसेस जहां बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी किसी के बैंक अकाउंट में आए हैं लोगों ने बहुत खुश होके की लॉटरी लग गई ये पैसे यूज किए दे है अरेस्ट फॉर बींग टू फ्रॉड तीसरी और काफी इम्पोर्टेंट लर्निंग ये है कि हमेशा विजिलेंट रहे कि आपके बैंक अकाउंट में क्या ट्रांजेक्शन हो रही हैं जैसे कि हम बता रहे हैं आजकल बहुत ज़्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी हो रही है सो ऑलवेज कीप अ लुक आउट कि कहाँ पे आपके बैंक में क्या खर्चा हो रहा है क्या मैसेजेस आ रहे हैं क्या इंटरक्ट ट्रांसफर्स हो रहे हैं क्या पैसे डिपॉजिट हो रहे हैं और कहाँ खर्च हो रहे हैं सो प्लीज़ ऑलवेज कीप अ नोट ऑफ दैट एंड एज सून एज यू सी एनी जो कि आपने नहीं किया रीच आउट टू योर बैंक एंड इमिजिएटली स्टॉप दैट किस टाइप के स्कैम यहाँ पे हो रहे हैं ये तो हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया ही था सो यू कैन वॉच इट ओवर सो ये थी हमारी स्कैम की कहानी एज न्यू कमर्स इन कैनेडा ये हमारा एक अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था मेरे लिए तो ये हैप्पी एंडिंग थी बट जरूरी नहीं है सबके लिए ये हैप्पी एंडिंग हो सो so प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखें और अगर इसमें आपको कोई लर्निंग मिली है तो प्लीज लेट अस नो इन द कॉमेंट सेक्शन डाउन बिलो and that will encourage us a lot and हम ऐसा और content बनाने के लिए encourage होंगे so अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई and आप ऐसा और content देखना चाहते हैं so please like this video please share this video and also subscribe to our channel the Desi Odyssey for more such content so till the next time bye bye